नमस्कार, हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता और लेकर आई हूं आपके लिए काम की बात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सर्दियां शुरू होने लगी हैं और मौसम भी काफी चेंज हो गया है। सुबह और शाम ठंड होने लगी है और तो और दिवाली के बाद ठंडे पानी से नहाने में भी काफी दिक्कत होती है। ठंडे पानी से किसी तरह नहा तो लेते हैं लेकिन हेयर वॉश करने के समय काफी दिक्कत होती है। ऐसे में हेयर वॉश ठंडे पानी से करें या फिर गर्म पानी से, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि ठंडे पानी से हेयर वॉश करने से सर्दी जुकाम होने का खतरा बना रहता है और गर्म पानी से हेयर वॉश करने से बाल कमजोर होते हैं, साथ ही बालों की शाइन भी खराब हो जाती है। ऐसे में हेयर वॉश के लिए कौन सा पानी सही है, इसको लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। तो चलिए जानते हैं सर्दियों में बालों को किस पानी से धोना चाहिए। वैसे तो गर्म पानी से हेयर वॉश करने से सर्दी जुकाम नहीं होता है लेकिन बाल फ्रीजी और डैमेज हो जाते हैं, इसलिए सर्दियों में गुनगुने पानी से करें हेयर वॉश, क्योंकि सर्दियों में ठंडे पानी से हेयर वॉश करना इतना आसान नहीं होता। सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए गुनगुने पानी से हेयर वॉश करने से बालों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। हेयर वॉश के दौरान आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुनगुने पानी से बाल फ्रीजी भी नहीं होते और तो और शाइन भी बरकरार रहती है। सर्दियों में हेयर वॉश के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे सर्दियों के समय हेयर वॉश के दौरान बालों में शैम्पू ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। बालों में शैम्पू ज्यादा देर के लिए बरसात और गर्मी के समय किया जाता है क्योंकि उस समय बालों में काफी सीबम यानी कि ऑयल आता है। सर्दियों के मौसम में सीबम नहीं आता तो शैम्पू लगाकर जल्दी हेयर वॉश किया जा सकता है। सर्दियों में हेयर वॉश के दौरान बालों को जल्दी से जल्दी क्लीन करना चाहिए। ज्यादा देर तक बाल धोने से बालों की जड़ों का नेचुरल ऑयल कम हो जाता है जिससे बाल पतले और बेजान हो जाते हैं। सर्दियों में हेयर वॉश करने के बाद बालों में कंडीशनर भी लगाना चाहिए लेकिन ज्यादा कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्यादा कंडीशनर का इस्तेमाल करने से बाल पतले हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी। अभी के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार। बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।